एक्चुअली जिस एरिया का लेकर अभी बदलने का मांग हो रहे हैं वो एरिया पहले कौशल जी का राजा था, उसको दिया था, उसमें कमलापुर था, उससे पहले अमर आंधीबादे जो कामरूप था उसमें कलिजा का जो भास्कर वर्मा का राज्य था। और अगर असम में कोई एरिया किसी जाति को कम्युनिटी को दे देगा तो असम में इतना बड़ा बड़ा कम्युनिटी है सब लोग मांग उठाएगा अपना स्टेट होना चाहिए। और स्पेशली उसमें पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बोडो का 25% प्योर बोडो है, 25% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ट्राइबल पॉपुलेशन पकड़ेगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, तो बाकी अनदर मोर देन 70% नॉन ट्राइबल और नॉन बोडो से। तो उनको लगता है ये ट्राइबल स्टेट या सेक्शुअल का अपना जो बीसी बन गया उनका अपना जो हक है, चाहे जमीन जायदाद के लिए हो, चाहे अपना ये कम्युनिटी के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे उसका लिंग्विस्टिक कल्चरल और पॉलिटिकल स्पेशल पॉलिटिकल लाइफ उनका खत्म हो गया है। गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट था, वो फैमिली को 40,000 मिला था। और उसमें ऐसा किया था, एक पेड़ पौधा भी नहीं रखा, घर मकान से लिए अपना जरा जितना सारा एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो सब लेके गया, इतना सारा प्रॉपर्टी सब लेकर पैसा। आजकल भी इधर उधर भटक रहा है, दिल्ली में है, बंगाल में इधर उधर है, और उसमें रिफ्यूजी कैंप अभी भी है, उसमें भी उसका ना जमीन मिलता है, उसका जो अपना जमीन है वो जा नहीं सकते है, उसमें जाएगा तो फिर मरने का डर है। तो हम इसलिए मांग कर रहे हैं, अगर पंजाब का जो राय हुआ था दिल्ली में उसको कितना कॉम्पेंसेशन मिला है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं जो मर गए है उसका जो फैमिली है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। एक्चुअली बोडोस कोकराझार या बीडीसी में माइनॉरिटी है पॉपुलेशन के डायरेक्शन से, लेकिन उनका जो राइट है, हक है, वो मेजोरिटी से ज्यादा है। लेकिन उसमें जो अभी पॉपुलेशन से मेजोरिटी है लेकिन हक से माइनॉरिटी है, उसको राइट अगर एडजस्ट नहीं करेगा तो उधर में, क्योंकि बोडो नॉन बोडो सबको एक साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा तो आने वाला दिन में, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नॉन बोडो के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन हम बोडो का जो इश्यूज है वो भी हम बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेजोरिटी का हक उसको सीन के देगा तो ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ेगा। इसलिए हम आंधी बेड़े असम से आते हैं, हम असम के सब लोग हो, चाहे बोडो जो नॉन बोडो जो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, माइनोरिटी जो, सबको हम बुलाए जाते हैं। इसलिए हम एक इंटीग्रेटेड असम का हम मांग कर रहे हैं, तो कोई इसमें विभाजन नहीं होना चाहिए। और जो बोडो को मिल गया है वो उनके लिए काफी है, उसको भी अभी जो नॉन बोडो का इश्यू है उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए सिमुन सा एग्जाम्पल है, उधर में बीडीसी है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, उसका असेंबली है, उसमें 46 सीट है, 6 नॉमिनेट करता है ऑनरेबल गवर्नर है, और 40 इलेक्टेड है, 40 में 30 रिजर्व फॉर ट्राइबल्स, जो 30% से ज्यादा नहीं है उसमें, और 5 है नॉन ट्राइबल के लिए, और 5 फॉर ऑल, उसमें उनको हक बहुत ज्यादा मिल गया है। तो हमको लगता है ट्राइबल को भी मिलना चाहिए, लेकिन नॉन ट्राइबल को अपना हक एटलीस्ट पंचायत लेवल में या काउंसिल लेवल में मिलना चाहिए उसको। अगर नहीं होगा तो लोग तो ऐसे बैठे नहीं रहेगा, लड़ेगा। और इसलिए हम सोच रहे हैं, हम रहते ही वो दोनों समुदाय को अगर मिला सके तो वो हमारे असम के लिए, बीजेपी के लिए, देश के लिए अपना होगा।